বা কানে মামা ওর উপরে থালি দিন আছে থালি 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 বে মামা তুই যাও না तो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ, बस जस्ट अभी मैंने उठ के ऊपर आया हूँ क्योंकि मुंह धोने के लिए नीचे पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ऊपर आया हूँ टंकी के पास। देखते हैं थोड़ा पानी है कि नहीं, और थोड़ा हल्का हल्का पानी आ रहा था तो थोड़ा हाथ मुँह यहाँ पर धोते हैं और चलते हैं थोड़ा बाड़ी के अंदर क्योंकि बाड़ी में थोड़ा काम करना है। ये जो हमने जो पौधा लगे थे, बैंगन वगैरह लगे थे, टमाटर वगैरह लगे थे, तो उसका नीचे जो हमने पानी चढ़ाए तो एकदम सपाट हो जाए, मैं प्लेटफॉर्म जैसा हो गया है, तो थोड़ा उसे खोदना है, खोद के नाला बनाना है। तो चलते हैं अभी। ये वो जो हमारा हम जो वेजिटेबल्स वगैरह लगा हैं ये टूटा ऑर्गेनिक है, उसमें हम कुछ जहर वगैरह मतलब फर्टिलाइजर्स नहीं दिए, सिर्फ खाद से बनाया है, तो एकदम बढ़िया बनाया है। तो चलते हैं अभी थोड़ा बाड़ी के अंदर, हाथ में धोते हैं और चलते हैं बाड़ी के अंदर, थोड़ा नाला बनाएंगे और नाला बना के आ जाएंगे बस फटाफट। अभी टाइम हो रहा है 9:30 के ऊपर हो चुकी है क्योंकि मैं अभी अभी उठाऊँ, तो चलते हैं जल्दी और यहाँ पर थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं। तो देखिए एकदम धीरे धीरे पानी आ रहा है, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे पानी आ रहा है। चलिए फिर चलते हैं बाड़ी के अंदर क्योंकि बाबूजी ने बोले थे कि वहाँ पर थोड़ा नाला बनाने के लिए, बस अब थोड़ा जाना है, जाके फिर आना है और घर पर भी कुछ बहुत सारा काम है। आज भैया चेन्नई जाएगा, उसको भी लेके जाना है छोड़ने के लिए दोपहर को। देखिए सुबह सुबह गेलो उठ के पढ़ाई कर रहा है, वो हस्ताक्षर लिख रहा है, देखिए हस्ताक्षर लिख रहा है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं बाड़ी के अंदर, गेलू और मैं जा रहे हैं। बाबा तुझसे से पट रहा। तो देखिए ये हमारा कुड़ी है, तो इससे हम नाला बनाएंगे, एकदम छोटा छोटा नाला बनाएंगे। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हमारा ऑर्गेनिक फार्म जो यहाँ पर भी लगी थी। देखिए यहाँ पर भी लगी थी, पूरा ऑर्गेनिक थी। ये देखिए टमाटर एकदम सारा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए काफी थोड़ा लगा लेते हैं क्योंकि बकरी घुस जाएंगे इस साइड, बहुत हमारा इस साइड गांव में बहुत ज़्यादा लोग बकरी हैं रखे हैं, तो वहाँ से इस साइड उस साइड देखिए उस साइड अभी छोड़ के बैठे हैं, तो या आएंगे तो घुस जाएंगे अंदर, तो बहुत सारा पौधा है खा जाएंगे। तो गेलू आगे आगे भाग रहा है, देखिए गेलू आगे आगे भाग रहा है, तो वो कुड़ी लेके भाग रहा है। तो जैसे कि बहुत बड़ा आदमी है तो काम कर लेगा सारा, तो ऐसे जा रहा है। तो दिखाएंगे हमारा ऑर्गेनिक जो भी लगी है, गोभी वगैरह लगी है, टमाटर लगी है, तो फुल ऑर्गेनिक है, उसमें हमने कुछ जहर वगैरह फर्टिलाइजर्स ये सब कुछ भी नहीं दिया है, बस थोड़ा खाद दे के बनाया है बाबूजी ने, बहुत ज़्यादा खाद दे के बनाया है, गाय जो गोबर बोलते हैं ना वही। तो आटे निकालते हैं, चल बाबा अंदर। तो देखिए तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारा बाड़ी के अंदर, देखिए ये हमारा बाड़ी है, ये देखिए ये सारा बैंगन, ये हमारा बैंगन का पौधा, एकदम बैंगन एकदम आई नहीं, छोटा छोटा आई है, और इस साइड टमाटर, ये देखिए टमाटर है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए कितना बड़ा बड़ा फूलगोभी है, ये आइए ये देखिए कितना बड़ा बड़ा फूलगोभी, ये फूलगोभी लेंगे, ये जो फूलगोभी लेंगे तो आज बनाएंगे फूलगोभी पकौड़ा, देखिए एकदम फूल जैसा, कितना फूल आई है, देखिए एकदम बढ़िया दिख रहे हैं ना, दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए कितना बढ़िया फिर बहुत उधर फोटो उठा देंगे। ये देखिए देखिए कितना सुंदर दिख रही है, देखिए सारा फूल को भी कितना छोटा छोटा आई है,
तो बाजार में मिलता है ना, बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, उसमें वो फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो एमोनिया खाद उसको देते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं दिए है, बस गोबर दे के बनाए हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं खाद, सिर्फ खाद से बनाए है। देखिए कितना सुंदर है, छोटा छोटा है लेकिन बढ़िया है, हम लोग खाते हैं बस। ये देखिए ये पत्ता गोभी, देखिए पत्ता गोभी अभी तक आया नहीं ज़्यादा, बस यहाँ से लेंगे अभी अभी, और फूल को भी ले जाएंगे, और थोड़ा नाला वगैरह बनाएंगे, क्योंकि आज कल सुबह पानी चराएंगे तो नाला बनाना पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं नाला। मुहानी मतलब भी डूब चेंज होती हुआ तो देखिए ये गोभी का साइड जो है ना, इस तरह का नाला बनाना है, क्योंकि पानी जो आता है ना इस तरफ चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा नाला बना रहा है। तो फाइनली हमने नाला बना लिया है, बिल्कुल थक चुके हैं, बस हम निकलते हैं घर, थोड़ा गोभी वगैरह लेके चलते हैं, फूल गोभी, और आज बनाएंगे पकौड़ा खाएंगे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे पकौड़ा हम लोग बना रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आए जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अभी। आज बनाएंगे फूलगोभी पकौड़ा। तो फूलगोभी पकौड़ा बनाने के लिए तो हमने इतना फूलगोभी काट कर रखा है, देखिए बहुत सारा फूलगोभी हमने काट लिया है। तो फाइनली अभी शाम को हम लोग बना रहे हैं गोभी पकौड़ा, और साथ में नारियल खा रहे हैं बैठ के। देखिए यहाँ पर मैं निकल के रखा हूँ, तो भैया चाय पी रहा है, भाभी ये देखिए चूल्ही जला रही है, और गेलू मेरे पास, और मैं बैठ कर नारियल खा रहा हूँ। अभी बनाएंगे गोभी पकौड़ा, साथ में रात में बनेगा पूरी और डालमा। देखिए भैया किस तरह छान रही है, पानी इनका जो छानने का तरीका है एकदम बढ़िया है। देखिए बगान पानी मंदाने बोला रहा, अब बगान हम लोग एक एक छानते हैं, लेकिन ये तो सारा डाल रहा है एक बार। मुठा पका ना देव ना ना पका बाबा क्या बना रहे पकौड़ा पकौड़ा ना।
বা তোমার মামা ওর উপরে থালি দিন আছে থালি 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 বে মামা তু যাও নু तो देखिए गोभी पकौड़ा बन चुकी है। तो पहला भाड़ी हमने निकाल लिया है, गिल्लू के लिए बनाया है बिना मिर्ची का। अभी शाम का टाइम है, देखिए अभी शाम को 6:30 के ऊपर हो चुकी है, 7:30 हो चुकी है। देखिए रात का मौसम है, देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है आज रात को बारिश होने वाला है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब हवा चल रही है जोर जोर से। लगता है कुछ मौसम बिगड़ने वाला है। हमारा पकौड़ा तो बन चुकी है, बस अभी बन रही है पूरी। ये देखिए तो बन रही है पूरी। चलो बोए तो लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर भाभी बना रहा है पूरी। भाभी यहाँ पर पूरी बेल रही है। तो देखिए हमारा गोभी पकौड़ा बन चुकी है और सब लोग बैठ के खा रहे हैं। बाबा गोभी पकौड़ा कैसा है? बस डिनर हो चुकी है, डिनर में खाए पूरी और साथ में दाल, एकदम मस्त खाए। चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।